अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। प्यारे बच्चों, आज जो है मैं आपको जो ये सवाल समझाने जा रहा हूँ, ये सवाल आप कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन, कर्नाटक स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बेंगलुरु की तरफ से आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर में ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड वाले ने, इसमें एक एक करके मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। यहाँ पर सवाल ये है, ये कन्नड़ में दिया है, मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको समझा रहा हूँ। अगर 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y = 1 = 0, ये दोनों दो मुतगयरी खती मसावत हैं और ये दोनों खतूत, ये मसावत को हल करने के बाद दोनों खतूत क्या है, एक दूसरे को एक दूसरे के मुतवाजी हैं, एक दूसरे को मुतवाजी हैं। तो अगर ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी हो तो इनमें से के की जो कीमत है, यहाँ पे के जो है 2y नहीं 2y 2ky, ये के की कीमत इनमें से, ये चार जवाब है इनमें से कौन सा है, नंबर ए 15/4, नंबर बी 3/2, नंबर सी 5, नंबर डी 4/15। इस चीज़ को हमें हल करके देखना है डायरेक्ट, तो एग्जाम में ऐसा मार्क करने का कौन सा बी करो सी करो ऐसा नहीं हो सकता। इसको करेक्ट हल करके जो सही जवाब है उसी सही जवाब का आप मुंतखब करेंगे हल करते हुए, और इसका सही जवाब आप लिखेंगे तो आपके सालाना एग्जाम में, तो इसको करेंगे। लीजिए, ये पहला दो मुतगयरी खता खती मसावत को हम यहाँ पे लिखते हैं, 3x + 2ky = 2, और दूसरे को हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरे को हम यहाँ पे लिखते हैं 2x + 5y + 1 = 0। ये दोनों, ये पहला खती मसावत है, ये दूसरा खती मसावत, आप चाहे तो इसको बयान नंबर एक कह सकते हैं, इसको बयान नंबर दो या मसावत नंबर दो कह सकते हैं। इन दोनों को आप दो दर्जी अपना दो मुतगयरी खती मसावत की जो मियारी शक्ल है उस मियारी शक्ल से आप मुवाजना करेंगे, वो किस तरह से, ए एक्स वन प्लस a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पे मुवाजना करेंगे, यहाँ पे a2x + b2y + c = 0। पहले मसावात को ये मियारी शक्ल से मुवाजने करने पर हमको मिलेगा a1 = 3 b1 = 2k c1 = कितना मिलेगा हमको, यह दो है, इसे क्या है -2, ये दो है, ये -2, ये दो अगर इधर आके मिलेगा तो -2 के मिलेगा, इसलिए दो जो है -2। इस तरफ ये दूसरे मसावात को आप इसकी मियारी शक्ल से हम अगर मुवाजना करेंगे तो इसके भी हम क्या है, a2 = कितना आएगा 2 b2 = कितना आएगा 5 c2 = कितना आएगा 1। हमें मालूम है अब ये दोनों खती मसावत को आप उनके मियारी शक्लों से मुवाजना करते हुए इनमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की कीमतें निकालिए। अभी हमको दोनों खतूत, ये दोनों खतूत अगर हम तर्जीमी पेपर पर अगर निकालेंगे तो ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल का कंडीशन हम अप्लाई करने का, दो खतूत मुतवाजी, दोनों खतूत मुतवाजी हो तो, मुतवाजी हैं दोनों खतूत मुतवाजी हैं, यानी यानी a1 / a2 = b1 / b2। आपको बताया हूँ मैं, दो खतूत अगर मुतवाजी हैं तो a1 / a2 = b1 / b2, दो खतूत एक नुक्ते पर कता करते हैं या एक ही उसका सलूशन होता है तो, एक ही उसका हल होता है तो वो दोनों खतूत क्या है, कैसा उसका a1 / a2 = b1 / b2 होता है। दोनों खतूत एक दूसरे पर मंतखब होते हैं तो a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 होता है। तो हमें मुतवाजी खतूत, ये दोनों खतूत तकसीम करने के बाद मुतवाजी होते हैं,
तो यानी मुतवाज होते हैं, इसका मतलब यह है तो a1 upon a2 = b1 upon b2 होता है। यहाँ पे हल करेंगे मैं, a1 कितना है 3 बटे a2 कितना है, a1 upon a2 a2 कितना है 2, 3 बटे 2 बराबर b1 कितना है 2 के, b2 कितना है 5, बस इतना ही देगा। अभी इसको हल करेंगे, हाँ ये दोनों को हल करो, तिरछा चार करो, 2 2 4 चार के, इसलिए 4 के बराबर 5 3 15 15, इसलिए k = कितना हुआ 15 बटे 4 इसमें से कौन सा 15/4 ए का, यस जवाब इसका सही है, k = 15/4। इस तरह से इस सवाल को आप हल करके इसका जवाब लिखेंगे तो आप सही जवाब लिख पाओगे। इस तरह से ये दो दर्जी खतीब मुसावत को हल करके इस तरह से इन जवाब का इंतखाब करो। अस्सलाम वालेकुम।